खबर रीवा से। गढ़थाना क्षेत्र में पीड़ित के साथ आरोपियों ने जमकर मारपीट की। पीड़ित को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आकाश सिंह पिता योगराज सिंह निवासी लारी कलार थाना गढ़ के रहने वाले हैं। पीड़ित के द्वारा 24 अगस्त को बताया गया कि आरोपी ब्रजेश सिंह उर्फ सोनू सिंह, अखिलेश सिंह उर्फ बबलू सिंह, सतराज सिंह परिवार के दूर के सदस्य हैं, जो उन पर उन लोगों से पारिवारिक विवाद रखते हैं, जिसकी वजह से घर में घुसकर मारपीट करते हैं व जान से मारने की धमकी देते हैं। पूर्व में कई बार आरोपियों के द्वारा पीड़ित के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई थी, जिसकी रिपोर्ट थानागढ़ में की गई, लेकिन आरोपी गणों की थानागढ़ में पहुंच व काफी जान पहचान होने से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आरोपी गण के विरुद्ध जाना थाना में थानागढ़ में मारपीट के कई मामले विचाराधीन है। आरोपी गणों के संबंध में जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है। आरोपियों के हौसले इतने बुलंद है कि आए दिन घर में घुसकर मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। घायल का उपचार रिवा संजय गांधी अस्पताल में जारी है। वहीं एसपी कार्यालय में भी न्याय की गुहार लगाई गई है। मारपीट हुई आपके साथ? ये गांव में हुई है। किस बात को लेकर मारपीट हुई है? ये मारपीट तो कई बार कर चुके हैं, वैसे भी जमीन को लेकर कई बार मार कर चुके हैं, और ये काफी दिन से मतलब इंतजार में थे कि मतलब ये निकले। किस दिनांक की घटना है? ये कल की घटना है। किस थाना क्षेत्र का मामला है? गढ़ थाना क्षेत्र। थाने में कार्रवाई हुई? बस कंप्लेंट कर लेते हैं, बस हो गया। इससे पहले भी कई बार रिपोर्ट करा, लेकिन उसका कोई मतलब। कौन है आरोपी मारपीट करने वाले? सोनू सिंह, अखिलेश सिंह और उनके पापा लोग सतराज सिंह। किस चीज से हमला हुआ है आपके ऊपर? पत्थर से था और रॉड था। कितने लोगों ने मिलके मारा? चार लोगों ने। कहाँ कहाँ चोट आई? ये यहाँ पर बता दे, बाद में दिखाएगा, बताइए। बोलो सबसे ज्यादा तो यहाँ पर मतलब हाथ भूसे से, और दो डंडा बाद में दो लड़के लेके आए थे जिनका नाम है रजनीश और अभिषेक। जो आंख में आपकी चोट लगी है, आंख बंद है, मारपीट की वजह से बंद हुई है? हाँ, डॉक्टरों ने क्या बोला यहाँ? अब बता दो।